Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू testbook.com। तो आई थिंक आप सभी लोग जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि एसएससी ने 2019 में जो भी पैटर्न अपनाया था तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन थे वो सारे के लेकर के आए हैं, जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हमें उनके ऊपर फोकस करना है कि ये क्वेश्चन भी इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं जो कि हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स दे सकते हैं, मतलब जो हमको दूसरे से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम आपको क्या बताने वाले हैं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद से आपको जो 10 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचने के लिए ये क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि वही सफिशियंस टाइम होता है एसएससी के लिए में जब आपके सामने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के सब्जेक्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और जो है वो आपको क्या बोलने वाला है। तो सबसे पहला कंप्यूटर जी आपको बताने वाले हैं क्या हमारे पास टेस्टबुक की तरफ से आपके लिए ऑफ़र है, तो जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है, उसको आप इनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी हैं हमारे testbook.com में, अगर कोई आपका इंडिविजुअल सेक्शन वीक है जिसको आप चाहते हो कि उसको हम ग्रूम अप कर लें तो ये आप कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, तो सुवर सेवर ऑफर, मतलब आप पासेस और टेस्ट पासेस को परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर कोर्सेज स्टार्ट होते हैं 99 से, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसको आप इनरोल कर सकते हो। तो RRB NTPC का कंप्लीट बैच, अगर आप ये पूरा बैच कंप्लीट करना चाहते हो, पूरा इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो, CBT 1 और CBT 2 तक अगर आपने इसको क्लियर करना है तो ये बैच आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, स्टडी नोट्स, और सबसे जो इसकी ख़ास बात है वो 140 प्रैक्टिस सेट एंड क्विजेज हैं जो कि आप लगा करके अपने जो बोल सकते हैं कि NTPC में अपनी सीट जो पक्की कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, तो टारगेट SSC JEE पेपर 1, अगर आप GA और रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। ठीक है, जहाँ पर आपको वापस से जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 85 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो चलिए अनिका, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारा आता है एक स्लोगन जो पूछा गया था SSC के हर साल पिछले साल के एग्ज़ाम में, और वो SSC का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसको इसके बारे में पूछा गया था। तो आपके सामने वो क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ, वो स्लोगन क्या था जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो कंप्यूटर जी देखिए यहाँ पर लेकर के आएंगे आपके लिए, तो द टेस्ट ऑफ इंडिया, द ब्रांड स्लोगन ऑफ विच कंपनी, किस कंपनी का जो है वो ब्रांड स्लोगन है, रसना, पेप्सी, डेयरी मिल्क या अमूल। तो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड आपको मैं देता हूँ इसके सोचने के लिए, जल्दी से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जवाब तो आना शुरू हो गया। बिल्कुल बबीता, ये आपके DRDO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बोल रहा हूँ DRDO में भी इससे क्वेश्चन, मतलब जो प्रीवियस जितने भी हमारे 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के जो स्पेशल क्वेश्चन है जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता था वो सारे क्वेश्चन मैं इस सेशन में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए क्या, तो अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, गुजरात के आनंद शहर में है। ठीक है, ये आपका अमूल, और आप लोग जानते हो द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए टेस्ट ऑफ इंडिया। तो डेयरी मिल्क, कल चॉकलेट डे था तो डेयरी मिल्क, आई फील द टेस्ट डेयरी मिल्क का होता है। ठीक है, पेप्सी के आए दिन चेंज होते रहते हैं, तो रसना का आप सभी लोग जानते हो, आई लव यू रसना,
तो ये स्लोगन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए SSC के डिफरेंट एग्जाम में स्लोगन पूछे गए थे, तो आपको ये स्लोगन भी पता होना चाहिए। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये है अमूल का फुल फॉर्म, द टेस्ट ऑफ इंडिया, और उसकी जो गर्ल है जो कि बोल सकते हैं कि डिफरेंट इवेंट को दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज द इनडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, इनमें से कौन सी प्रजाति जो भारत में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में मानी जाती है। तो हिमालयन ब्राउन बियर, लॉन्ग ट्रेन मकाऊ, डिजर्ट फॉक्स या वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। और मैं आपको हिंट करना चाहता हूं कि ये आपका कहां पर पाया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है आपका केरला में, मतलब बोल सकते हैं कि वेस्टर्न घाट में ये आपका पाया जाता था, और ये आपका बोल सकते हैं ऐसी स्पीसीज है कि अब धीरे धीरे गायब हो रही है हमारे इंडिया से। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब। तो प्रगति बोली सर ये, मतलब मैंने आपको हिंट दिया कि ये केरला में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है। तो इसके सही जवाब की बात करें तो लॉन्ग टेल्ड मकाक जो है इसका सही जवाब है, जो लंबी पूंछ का मकाक है वो इसका सही जवाब है, केरला में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला, देखिए यहाँ पर, इन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट MP नॉट शेयर इट्स बाउंड्री। MP जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है वो अपनी जो सीमा है वो किसके साथ साझा नहीं करता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, UP या गुजरात। और आपको 10 सेकंड में सोच करके बताना है कि MP जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो किसके साथ अपनी सीमा शेयर नहीं कर रहा है। भाई मिक्स क्वेश्चन है, जो वो GA के हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, GA के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे धर्मेंद्र को लग रहा है कि उड़ीसा होना चाहिए, योगेश को लग रहा है कि होना चाहिए उड़ीसा, लेकिन धर्मेंद्र को गुजरात लग रहा है। ठीक है, विक्की को भी गुजरात लग रहा है। ठीक है, तो कभी आप यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो उड़ीसा जो है वो इसका सही जवाब है, उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर उड़ीसा इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही है यहाँ पर उड़ीसा। गुजरात तो बिल्कुल टच करता है, MP से आप देखोगे तो गुजरात का जो रास्ता है वो बिल्कुल टच करता है, नडियाद डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं कि आपका रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिल्कुल आपके गुजरात से टच होकर के है, रतलाम आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब है आपका उड़ीसा। ठीक है, महाराष्ट्र से भी टच होता है, ठीक है, बोल सकते हैं कि आपका यूपी से भी टच होता है, गुजरात से भी टच होता है, लेकिन उड़ीसा से टच नहीं होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये पिछले साल के SSC का। तो अभी आपको बताना है कि हाइपेरियन जो है मून इनमें से किसका है, वीनस, जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस। बताइए जल्दी से 10 सेकंड में, देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। प्रशांत ने बताया कि 8 स्टेट से जो है उसकी बाउंड्री टच करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लोग सैटर्न की तरफ जा रहे हैं। तो सैटर्न जिसके सबसे ज़्यादा मून है, मतलब 82 मून्स हैं, वो हमारा जो है वो उसके एक सैटर्न का नाम है, उसके एक सैटेलाइट का नाम है, क्या है, पेरियन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है टाइटन। ठीक है, टाइटन सैटेलाइट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस के 0 सैटेलाइट हैं। जुपिटर जो कि 79 सैटेलाइट के साथ दूसरे नंबर पे आता है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है गाइनामेड। यूरेनस इसके 29 सैटेलाइट्स हैं, और ये टिल्टिंग प्लैनेट है। और वीनस और यूरेनस इन दोनों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों जो हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अभी आप बताना है हायर ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन, हायर जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है, वो कहाँ का बेस है, सिंगापुर, कोरिया, चाइना या जर्मनी। ठीक है,
तो हायर की हम लोग बात कर रहे थे, ये सारे के सारे पिछले साल मतलब 2019 के SSC में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करिएगा और आपको ये भी पता लगेगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ प्रशांत, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, DRDO के लिए एक मैराथन क्लास जरूर इसके बारे में हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या आना चाहिए, तो हायर जो है वो इंस्पायर द सोसाइटी, ऐसा कुछ उसका स्लोगन है और ये आपका चाइना से रिलेटेड है। और अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इसकी वजह से भी चाइना से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कल जो है वो बुश फायर के ऊपर सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरे थे, लगभग साढ़े पाँच साल के वक्त के बाद जो है वो तेंदुलकर मैदान में उतरे थे। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा पहली बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव लगाई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा समवर्ती सूची के विषय में नहीं आता है, पब्लिक हेल्थ, ट्रेड यूनियन, इस एडल्ट्रेशन, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, कौन सा नहीं आता, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अभी 100 आइटम्स हैं, ठीक है, 61 आइटम्स हैं हमारे स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में है 52 आइटम्स। तो अभी बताइए कि इनमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो प्रशांत को लग रहा है कि सर ट्रेड यूनियन होना चाहिए, ट्रेड यूनियन, लेकिन मैंने शायद आप लोगों को बताया है, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने बताया था इनमें से कौन सा सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया, जहाँ पे अजय वर्मा जो है उनका ध्यान जा रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक हेल्थ या बोल सकते हैं जितने भी हमारे हेल्थ के स्कीम्स होती हैं वो सारे के सारे हेल्थ के जितने भी आपके सरकारी अस्पताल जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोलते हो वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट में आपका ये आता, बाकी के सारे जो हैं वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो प्लीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिस्ट, तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए। और मैंने आपको क्लास में बताया था पब्लिक हेल्थ या आपका जो बोल सकते हैं हेल्थ सेक्टर पूरा का पूरा स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको बताना है हाउ मेनी लोकसभा सीट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस विन इन 2019 जनरल इलेक्शन। ठीक है, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी अभी जो चुनाव हुए थे, देखते हैं कितने लोग गैस कर पाते हैं, 52, 72, 91 या 64। ठीक है, तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए 52, चाहे वो योगेश हो, मनीष हो, सभी लोग बोल रहे हैं सर 52 पर सबमिट कर रह गई थी हमारी कांग्रेस, लगभग 10% सीट भी वो नहीं जीत पाई थी हमारे लोकसभा के चुनाव में। तो यहाँ पर 52 मतलब कांग्रेस ने 52 सीट्स जो हैं वो जीती थी और सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो थी आपकी भारतीय जनता पार्टी जिसने 303 सीटें जीती थी। तो यहाँ पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। और आपको जितने भी यहाँ पर मिनिस्टर हैं, जितने भी मिनिस्टर चुने गए उनकी आपको कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, संसदीय क्षेत्र कौन सा है, वो भी याद रखना है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा से चुनकर आए हों, चाहे वो लोकसभा से चुनकर के आए हों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो 52 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया मतलब 2019 में ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, इसे अतुल कटारिया, अनिल वर्मा, वीजी सोमानी या रमेश शुक्ला। तो बताइए, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर से वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप DRDO में जाएँ, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि SSC में जाएँ, NTPC में जाएँ, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अपॉइंटमेंट्स। चलो तो यहाँ पर जवाब दीजिए क्या आना चाहिए, तो दीपक का मानना है सर अनिल वर्मा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वीजी सोमानी की तरफ भी कुछ लोग जा रहे हैं, चलिए तो यहाँ पे सही जवाब दें, तो देखिए यहाँ पर वीजी सोमानी इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, इनको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इससे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारे 2019 से लेकर के 2020 तक जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन हमसे एक पूछ सकता है। तो भाई हम क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे अपॉइंटमेंट, सारे अपॉइंटमेंट पढ़िए। और महेश सर की 7:30 बजे की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग 7:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास जरूर करिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, वहीं से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, और वहाँ पर आपको PDF भी मिलता है, तो आपके लिए वहाँ पर सारे तरीके से बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ उस 7:30 बजे वाली क्लास को फॉलो करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, रजप्पा द लोकेशन ऑफ शक्तिपीठ एज वेल एज कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर दामोदर एंड भेरा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। रजप्पा शक्तिपीठ, जहाँ पर छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और इसको यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया जाने वाला है जल्द ही, वो दामोदर और भेरा नदियों का संगम है, ये कौन से स्टेट में पड़ेगा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल। हाँ विकी, तुम तो आते हो। अंकिता, आप मेरे, मुझे लगता है कि आप मेरी ईमेल आईडी गलत भेज रहे हो, क्योंकि आपका मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप मुझे भेज रहे हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, जितने भी लोग मुझे मेल करते हैं। ठीक है, तो मेरा ईमेल आईडी आप सही से टाइप करिए, नाम जो है वो, तो आई थिंक आप मुझे तक आसानी से पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर लोगों का मानना है सर दामोदर नदी जो है वो हमने झारखंड में नाम सुना है, तो हम यहाँ से इसको पिक कर सकते थे, तो झारखंड इसका सही जवाब है। झारखंड में जो है ये आपका रजप्पा शक्तिपीठ है, जो कि आपका छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए फेमस है, जो उसके आसपास रहते होंगे वो उसके बारे में जानते भी होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेशन इन अंटार्कटिका। हमारे अंटार्कटिका में हमने कई सारे 3 स्टेशन बनाए हैं, ठीक है, उनमें से एक स्टेशन कौन सा है, पूर्व गंगोत्री, पश्चिम गंगोत्री, उत्तर गंगोत्री या दक्षिण गंगोत्री, बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर बात करें तो अंटार्कटिका में हमने 3 स्टेशन बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारा भारती, मैं आपको बता दे रहा हूँ तीनों स्टेशन के नाम आपको याद रखना है, भारती, यहाँ पर लिख रहा हूँ भारती, उसके बाद से दूसरा कौन सा है तो वो है हमारा मैत्री, और तीसरा कौन सा है तो दक्षिण गंगोत्री। ये 3 हमने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, कहाँ पर, तो अंटार्कटिका में, ये आपको याद रखना है, ये हमने 3 रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। तो आई थिंक आपको 4 नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल के SSC के एग्जाम में पूछा गया था, कि डेविस कप के फाइनल में हम पहुँच गए थे, ठीक है, डेविस कप के फाइनल में पहुँच गए थे, लेकिन हमने जो है उसको प्रोटेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ बोल सकते हैं कि हमारी जो रंग भेदी पॉलिसी थी वहाँ पर, रंग भेदी जिसको आप लोग बोलते हैं, यहाँ पर कलर को लेकर के काला गोरा का वहाँ पर किया जा रहा था, जिसकी वजह से हमने उनको रिफ्यूज कर दिया कि हम फाइनल मैच नहीं खेलेंगे। वो कौन सा ईयर था, और उसके बाद से ये क्वेश्चन हमारे UPSC में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन पिछले साल इसको SSC में भी पूछ लिया, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर विकी को लग रहा है कि 1974 होना चाहिए, विकी 100% श्योर है कि 1974 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1974 होना चाहिए, जहाँ पर उनकी जो रंग भेदी नीति थी या कलर पॉलिसीज थी, काले गोरे की जो नीतियाँ थी, उसकी वजह से हमने वहाँ पर फाइनल में पहुँच करके हमने बाइकॉट कर दिया, हम चाहते तो उस समय डेविस कप जीत सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1974 बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है कि 2019 में वो कौन सा स्टेट था मनीष, जिसने पूरी तरीके से बायोफ्यूल डे को मनाया है, ठीक है, और बोला है कि हम पूरी बायोफ्यूल पॉलिसीज जो है उसको रिलीज करेंगे अपने पूरे स्टेट में, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या महाराष्ट्र। हाँ, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है जो हमारे
जो अलग पैटर्न पे थे वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो एक ब्रैकेट बना हुआ था कि मुझे सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ने, उससे थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा गौरव शुक्ला बोल रहे हैं सर होना चाहिए 3 नंबर मतलब उड़ीसा, ठीक है, कुछ लोग राजस्थान की तरफ भी जा रहे हैं। तो अजय वर्मा बोल रहे हैं सर राजस्थान होना चाहिए, तो यहाँ पे सही जवाब मनीष क्या है, तो राजस्थान ने पूरी तरीके से बायोफ्यूल मतलब जो हमारे बायोगैसेस का इस्तेमाल करके या हमारे जो नेफ्था का इस्तेमाल करके डीजल बनाया जाता है, उस पॉलिसी को लागू करने का जो है वो घोषणा की थी आपकी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर जो अगस्त में मनाया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है तो जल्दी से देखिए। अभी आपको बताना है चुकवाला, चुकवाला क्या है, क्या ये लिजार्ट है या बोल सकते हैं एलिगेटर मॉस्किटो है या एनाफ्लीज मॉस्किटो है, चैमेलियन है या स्नेक है, तो बताइए क्या होना चाहिए 10 सेकंड में, ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है या एनाफ्लीज है, चुकवाला या लिजर्ट है। हाँ, डिप्टी सीएम जो है वो सचिन पायलट हैं, जो हम सबके अभी फेवरेट बोल सकते हैं कि अच्छा काम करते हैं वो, और आई थिंक नॉलेजेबल हैं। तो यहाँ पर लोग एनाफ्लीज की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं सभी लोग जो हैं वो एनाफ्लीज को मतलब एक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अंकिता को लग रहा है कि होना चाहिए चमेलियन, ठीक है, तो नवीन को लग रहा है कि चमेलियन होना चाहिए, कीर्ति को भी ये लग रहा है कि चमेलियन होना चाहिए, लेकिन इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब है अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाने वाली छिपकली, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका और जो हमारी मेक्सिको है वहाँ पर ये छिपकली पाई जाती है, और ये काफ़ी तेज़ चलती है और ये पानी पर चलने के लिए फेमस है, ये दो पैर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये दो पैर से भागती है और बहुत तेज़ से भागती है, तो ये लिजर्ट है, एक तरीके की छिपकली है, चिकवाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अभी आपको बताना सांची स्तूप, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इसको बनवाया था अकबर ने, ठीक है, स्तूप है मतलब डेड रिमेनिंग्स जो आपके अवशेष हैं बुद्ध के यहाँ पर रखे गए हैं। अब इससे प्रेरित होकर के मतलब सेम जो सांची का स्तूप है ऐसे गोल सा, कौन सा हमारा जो है वो प्लेनिटोनियम है, मतलब जहाँ पर तारामंडल जिसे बोलते हैं बिरला पॉलिटेनियम प्लेनिटोनियम कोलकाता, ऐसा पठानी प्लेनिटोनियम, भुवनेश्वर नेहरू प्लेनिटोनियम, मुंबई इंदिरा गांधी प्लेनिटोनियम, पटना, कहाँ पर होना चाहिए ये। छिपकली, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही जवाब की तरफ चला है, सबको सही जवाब की तरफ जाना है। तो प्रगति को लग रहा है कि सर होना चाहिए इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम पटना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब देखिए, यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला कि नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, और सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो वो है बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इसका सही जवाब है बिरला प्लेनेटेरियम, तो ये इसको आपको टिक करना था, सिर्फ दीपक जो है वो इसका सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, धर्मेंद्र ने भी बाद में सही पिक किया है। अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो बुक है वो भावभूति ने नहीं लिखी है, अगर आपने ध्यान से मौर्य एम्पायर पढ़ा होगा ना तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो, तो 10 सेकंड में बताओ इनमें से कौन सी बुक है सोच करके। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर मोनू को लग रहा है कि होना चाहिए 3 नंबर मनीष, लेकिन बोले मुद्रा राक्षस होना चाहिए, नवीन बोले सर 100% मुद्रा राक्षस होना चाहिए, क्योंकि मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पर चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है विशाख दत्त ने, किसने लिखा इसको तो विशाख दत्त ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या है तो मुद्रा राक्षस इज द राइट आंसर, तो ये होना चाहिए, अगर हमें ये बुक के बारे में पता है तो ये सभी के सभी भावभूति नहीं लिखी होंगी, क्योंकि मुद्रा राक्षस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की नीतियों के बारे में विशाख दत्त ने लिखी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनिका ने बिल्कुल सही पिक किया। अभी आपको बताना है कि अनमुक्त दाल कृष्णदेवराय की जो हमारी कृति है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, क्या वो संस्कृत है, कन्नड़ है, तमिल है या तेलुगु है, और आपके पास 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही जवाब क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब है आपका तेलुगु, कृष्णदेव राय, जो कि आपके विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। तो विजयनगर साम्राज्य जिसको हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का ने बनाया था, और उसको जो है वो आप बोल सकते हैं पहले राजा थे कृष्णदेव राय, और उनके ऊपर ये बुक लिखी गई अनुमुक्तदालय कृष्णदेव राय के ऊपर, जो तेलुगु लैंग्वेज में है, जो आपको अभी कर्नाटक के आसपास के एरिए में विजयनगर साम्राज्य की जो है वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था इसका सही जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर तेलुगु इज़ द राइट आंसर। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार ये क्वेश्चन आया था तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बांध जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, आपको बांध बता होना चाहिए, तो कौन सा बांध जो है वो कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सही जवाब बता रहे हैं कि होना चाहिए क्या, तो मैटूर बांध, मतलब चार नंबर की तरफ, तो मैटूर बांध जो है बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग बाकी के बाद की बांध की बात करें तो जीबी पंत सागर बांध की, तो ये आपका जीबी पंत सागर बांध, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दाम रिहंद बांध भी बोलते हैं, सरदार सरोवर बांध जो कि आपका नर्मदा के ऊपर बना है, तिलैया बांध जो कि आपका झारखंड में दामोदर नदी के ऊपर दिखाई देगा, और मैटूर बांध आपका तमिलनाडु पर, कहाँ पर, तो कावेरी नदी के ऊपर दिखाई देगा। तो ये था इसका सही जवाब। ठीक है, तो मैटूर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है अभी कि 1946 में जो फर्स्ट चेयरमैनशिप हुई थी या फर्स्ट सेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, वो जो है वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत, सरस चंद्र बोस, सच्चिदानंद सिन्हा या एम असफ अली। तो आपको बताना है क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, और 10 सेकंड में जल्दी से सोच के बताइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कावेरी रिवर जो है वो आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और उसके बाद से बोल सकते हैं कि तमिलनाडु में जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं क्या होना चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके दो दिन के बाद मीटिंग हुई और 11 दिसंबर को परमानेंट चेयरमैन बन गए थे कौन, तो राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट चेयरमैन कौन बन गए, तो राजेंद्र प्रसाद इस परमानेंट चेयरमैन बन गए। तो ये था आपका सही जवाब। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है तो जुलाई 2019 में हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल ब्रांड रिबॉक। तो ये भी शायद ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋतिक रोशन थे, विक्की कौशल, रणबीर सिंह या वरुण धवन। तो रिबॉक के जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ज़रा सोचिए, देखते हैं एड्स आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हो। मैं नहीं देखता हूँ लेकिन मुझको शायद इसके बारे में पता था पहले से। ठीक है, तो विक्की का मानना है सर होना चाहिए वरुण धवन। वरुण धवन जो हैं वो रिबॉक का ऐड करते हैं और शायद उनके साथ महेंद्र सिंह धोनी और विपाशा बासु, ये तीन लोग जो हैं वो ऐड करते हैं किसका, तो रिबॉक का आया। ठीक है, देखते हैं इसका सही जवाब क्या, तो वरुण धवन। जी हाँ, वरुण धवन जो है बिल्कुल सही है। तो नवीन नहीं, रणबीर सिंह नहीं है, रणबीर सिंह इज़ नॉट राइट आंसर, तो वरुण धवन है। ठीक है, अभी विक्की कौशल जो है वो किसी का ऐड कर रहे हैं, अभी मैंने उनका ब्रांड एम्बेसडर का नाम नहीं मालूम, लेकिन ये किसी ऐड में आ रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी टफनेस वाला ऐड है आई थिंक, अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताओ। विक्की कौशल अभी किसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने, उरी पिक्चर के हीरो, अगर आप लोग जानते होंगे उरी पिक्चर से ये फेमस हुए थे, तो ये किसके अभी ब्रांड एम्बेसडर है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग याद दिलाइए, ऐड आता है इनका मुझे। तो ये हमारे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है जो विक्की कौशल है। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक भी लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है। तो अभी आपको बताना है कि जो हमारी सेफ्टी मैच है, मतलब जो माचिस है जिसको दिया सलाई बोला जाता है, उसका आविष्कार कौन से देश से जुड़ा हुआ है। हाँ, वेरी गुड, रेड चीफ, बिल्कुल। एक्चुअली मैं रेड चीफ के जूतों का इस्तेमाल तो करता हूँ, लेकिन मुझे, और एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ हमारी कानपुर की मैन्युफैक्चरिंग है, रेड चीफ जो है वो हमारी, जो मेरा होम टाउन है वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, और बहुत सारे सामान हमारे पास रेड चीफ के हैं ही,
और मैंने अभी हाल के दिनों में इनका एक ऐड भी देखा था रेड चीफ का, जिसका वरुण धवन जो है, सॉरी विक्की कौशल ऐड कर रहे थे, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रेड चीफ की हैं, इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये हमारे कानपुर का ही मैन्युफैक्चरिंग है, प्योर लेदर का इस्तेमाल होता है रेड चीफ में। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। हाँ, रणबीर सिंह लेस का ऐड करते हैं, रणबीर सिंह नहीं है वो, रणबीर कपूर हैं शायद, आई थिंक, जो लेस का ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लोग बोले सर स्वीडन होना चाहिए, गुस्ताफ एरिफ, गुस्ताफ एरिफ ने जो है वो सेफ्टी मैच का इस्तेमाल किया था, गुस्ताफ एरिक ने जो है वो सेफ्टी मैच का इस्तेमाल किया था, और इसका ये एक बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था जिससे कि आग लगाई जा सकती है कहीं पे भी। तो स्वीडन की कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो स्वीडन की कैपिटल आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आप लोग बताइए कि स्वीडन की कैपिटल क्या है। ठीक है, मार्क रूटे जो हैं वो इसके पीएम साहब हैं। ठीक है, और कैपिटल आप लोग कमेंट करेंगे जब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वीडन इज़ द राइट आंसर, गुस्ताफ एरिक ने जो है वो इसकी खोज की थी। हाँ, विराट कोहली मान्यवर कैड करते हैं। तो अभी आपको बताना है ऑन विच डे स्टॉक होम, यहाँ पर लोग बता रहे हैं स्टॉक होम होनी चाहिए, तो मैंने एक बोल भी दिया था शायद। तो इन विच डेट द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व, नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 15 सितंबर को, 22 दिसंबर को, या 28 फरवरी को, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। हाँ बिल्कुल वासुदेव, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, तो बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा स्टॉक होम। तो यहाँ पर लोग बोले सर 28 फेब होना चाहिए, 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे जो है वो मनाते हैं। इस दिन जो है आपके वेंकट रमन को नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले तो वेंकट रमन को रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट आप लोग जानते हो ना, जो स्कैटरिंग थी फोटान की, वो यहाँ पर उन्होंने शो की थी। तो इसकी वजह से जिसको हम लोग रमन इफेक्ट भी बोलते हैं, 1930 को सेम डेट को इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और तब से हम ये नेशनल साइंस डे के नाम से इसको मनाते हैं। तो ये था इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही जवाब था 28 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि अभी बताना है कि हु पब्लिश द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियोडिक टेबल। पिछले साल का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन आप सभी को लगने वाला है, खास तौर पे जो कोहली की गोली चलती है वो बहुत तेज चलने वाली है अभी। तो जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। हाँ, 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेंस डे होता है, 8 मार्च को, बिल्कुल सही पिक किया आपने। रॉबिन कोहली, देखो एक कोहली की गोली चली और दूसरा देखो कोहली यहाँ पर आ गया। चलो कोहली, यहाँ पर हमारे पास एक और कोहली आ चुके हैं। तो यहाँ पर दिमित्री मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक पीरियड में अरेंज कर दिया, जो कि उनकी पीरियोडिसिटी थी, जो उनके गुण थे वो उनके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करते थे। मतलब इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया, जिसको बाद में मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसमें उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो ये था, अगर यहाँ पर पाउली दिया गया है तो उन्होंने पाउली का डिफ्यूज़न लॉ दिया था, ये भी हमारे बोल सकते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। डाल्टन ने जो है वो एटम की खोज की थी, और अगर हम लोग बात करें अवोगाड्रो, तो अवोगाड्रो मतलब इन्होंने बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की, मतलब अणु की खोज की थी, और अवोगाड्रो नंबर भी बताया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा 2 नंबर, जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया था, तो इज द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है कि हु डिफीट द प्रकाश पादुकोण, द फादर ऑफ दीपिका पादुकोण, इन 1980 ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम लोग ऑल इंडिया बैडमिंटनशिप के फाइनल में पहली बार गए थे और हार गए थे 1980 में। तो वो कौन थे, सिम लेवी किंग थे, रूडी हार्डनो थे, या स्वेन देन प्री तेन होन जॉक, कौन थे। हाँ, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स थे उसमें, 118
तो यहाँ पर रॉबिन को लग रहा है कि सर होना चाहिए 10, जो हॉक विकास मौर्य को लग रहा है कि 1 होना चाहिए, तो अजय बोले नहीं पता, तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर विकास जो है वो प्रगति त्रिवेदी, ये काफ़ी नज़दीक पहुँचे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिम सेवी किंग इज़ द राइट आंसर, जिम सेवी किम जो है इसका सही जवाब है, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब था। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, तो देखिए यहाँ पर अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, MySQL, फॉल्टन, पास्कल या DTH। तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% SSC का कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे हमारे पास इंजीनियर भाई लोग भी हैं जो कि हमें इसका जवाब देने वाले हैं। तो यहाँ पर लोग बोले सर होना चाहिए D2H, पास्कल की तरफ जा रहे हैं, तो पास्कल तो आई थिंक दिस इज़ अ लैंग्वेज, आप लोगों ने सुना भी होगा इंजीनियरिंग में पास्कल लैंग्वेज होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पास्कल, फॉल्टन भी लैंग्वेज होती है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड लैंग्वेज है, ट्रांसलेट करती है, MySQL इज अ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आती है, DBMS में आती है, और आपका जो नहीं आता है वो डायरेक्ट टू होम है, डायरेक्ट टू होम दिस इज़ द केबल सर्विसेज प्रोवाइड बाई सम कंपनीज, तो डायरेक्ट टू होम इज़ द नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, दिस इज़ द सर्विस प्रोवाइडर फॉर केबल सर्विसेज। ठीक है, आई थिंक जो आपका जो ब्रॉडकास्ट होता है TV पर वो D2H करता है, तो ये था इसका सही जवाब। तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस पे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताना है जोक फॉल, जो कि हमारे SSC का पिछले साल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन था, तो अभी आपको बताना है जोक फॉल जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम या गोवा। तो सरावती रिवर पर बना हुआ ये बांध, जिसको हम लोग गुरसप्पा फॉल भी बोलते हैं, वो कौन से नदी पर बना हुआ है, तो सरावती नदी पर, मैंने आपको बताया सरावती रिवर के ऊपर वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर विकी बोल रहे हैं सर होना चाहिए 1 नंबर मतलब कर्नाटका, ठीक है, मान सिंह को लग रहा है कि कर्नाटका होना चाहिए, बट इसका सही जवाब क्या है कोहली, तो इसका सही जवाब जो है बॉबी जैसा कि बता रहे हैं, सुनील रावत भी बता रहे हैं, कीर्ति, सभी लोग बता रहे हैं सर होना चाहिए कर्नाटका, तो कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है विच मटेरियल इज़ यूज एज अ सील्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग सील्ड की तरह मतलब ढाल की तरह या बोल सकते हैं प्रोटेक्टर की तरह, जिससे कि रिएक्टर्स का जो है वो बाहर ना जा पाए, रेडिएशन किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, यूरेनियम या लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो किरण बोल रहे हैं कि ही वॉज फ्रॉम किरण, आई थिंक सी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, ऐसा बोल रही है। धर्मेंद्र को लग रहा है कि सर यूरेनियम होना चाहिए, सील्ड के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। लोग यूरेनियम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल, इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला कि उसको ये फ्यूल है, तो ये कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो और रिएक्शन को बाहर की तरफ ले, इससे तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, तो जो रेडिएशन को कैप्चर करके रखता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमने देखिए आमिर साइद को छोड़ करके सब लोग बददिमाग हो गए थे, ये तो इससे तो रेडिएशन निकल रहा है। हमने सील्ड का क्या होता है, सील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना, इसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्क्रीट का, लेकिन यहाँ पर कॉन्क्रीट अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लेड के ऊपर इसका टिक कर दोगे, तो वैसे कॉन्क्रीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या था, तो लेड था। तो प्लीज़ ऐसी छोटी गलतियाँ मत करिए। तो यूरेनियम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन फैलाता है, इसी पे तो हम जो है वो न्यूक्लियर फिजन कराते हैं, तो यहाँ पर यूरेनियम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस यूज टू हार्डन द रबर, रबर जो है वो आपका केरला से सबसे ज़्यादा निकलती है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, उसको हार्डन करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, इससे वोलरेशन, वॉलिटेशन, वैल्यूनिएशन या वेपराइजेशन, क्या होता है इसका सही जवाब, 10 सेकंड में पिक करके बताइए।
तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रबर को 373 केल्विन से उठा करके 415 केल्विन तक गर्म कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है रबर को हार्डन करने के लिए। तो जो नेचुरल रबर होती है, मुझे बताइए वो नेचुरल रबर को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मेरी तरफ से है, नेचुरल रबर का केमिकल नेम क्या है? देखते हैं कितने लोग बचा पाते हैं। नेचुरल रबर का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जब तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूं आप लोगों के आंसर का। हाँ, मानसिंह ने बताया कि सल्फर की प्रेजेंस में इसका जो है वो टेम्परेचर को हम लोग गर्म करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एस्प्रिन लोग बता रहे हैं, आइसोप्रिन बता रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, आइसोप्रिन कुछ लोग बता रहे हैं, ब्यूटाडाइन बता रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आइसोप्रिन इज़ द राइट आंसर, ठीक है, आइसोप्रीन इसका सही जवाब है। तो प्लीज़ आप लोग इसको क्या करो, आइसोप्रीन इज़ द राइट आंसर, ये हमारी नेचुरल रबर को बोला जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, तो आइसोप्रीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी आपको बताना है कि अभी हाल में अगस्त 2019 में एक हमारा जो प्लेयर था जो कि काफ़ी ख़तरनाक खिलाड़ी था, सेनेजडर, तो उन्होंने संन्यास लिया है, मतलब रिटायरमेंट लिया है, वो कौन से कंट्री से आते हैं? नॉर्वे से, नीदरलैंड से, फ्रांस से या बुल्गारिया से? और जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। सल्फर में तुम सल्फर के पीछे पड़ गए एकदम, आइसोप्रीन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सही जवाब क्या है, तो यहाँ पर सही जवाब है आपका नॉर्वे नहीं है। तो आप लोगों ने शायद इनके नहीं देखा है क्या, इनके सर पे बाल नहीं है एक भी, और काफ़ी ख़तरनाक खिलाड़ी हैं, और 2019 में इन्होंने संन्यास लिया था, ये फ्रॉम नीदरलैंड, नीदरलैंड के वन मैन आर्मी थे ये, ठीक है। विजले सेंसडर जो है वो आपके नीदरलैंड के वन मैन आर्मी थे। आप लोग शायद फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, तो वर्ल्ड कप में इनका प्रदर्शन भी काफ़ी ख़तरनाक रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है, ये भी SSC का जो है वो क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया था, और ये था आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। तो जल्दी से बताइए, अभी कोहली हमने सुबह इसके बारे में पढ़ा भी है, तो जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए, करेक्टली मैच्ड है, याद रखना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, और 10 सेकंड में सबका जवाब आ जाना चाहिए। हाँ, नीदरलैंड की कैपिटल जो है वो एम्स्टर्डम है, बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया, नीदरलैंड की कैपिटल जो है एम्स्टर्डम है। अनिका, तो तुम वैसे ही नहीं देखती होगी, कहाँ स्पोर्ट्स में लड़कियों का इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो काकरा पार जो है वो गुजरात में है, ये इसका सही जवाब है, और अगर हम लोग बात करें तारापुर जो है ये ट्रांबे में है, और ट्रांबे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु यहाँ पर होना चाहिए, कैगा जो है ये कर्नाटक में है, तो ये सारे के सारे गलत लिखे हुए थे, सिर्फ यही एक आपका सही था, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वो तापी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है कि ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज चूजन एज द वेन्यू ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इनमें से आपका अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तक्षशिला थी, कश्मीर थी, वैशाली थी या पाटलिपुत्र थी? 10 सेकंड में जल्दी से मुझे जवाब दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे पहली काउंसिल की बात करेंगे तो 483 जिस समय गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, ये 483 बिफोर क्राइस्ट में पहली काउंसिल हुई थी, ठीक है, राजगिरी में, ठीक है, जिसको कराया था किसने, तो अजात शत्रु ने कराया था, उसके बाद से ठीक 100 साल के बाद हुई 383 बिफोर क्राइस्ट में, जिसको काला शोक ने कराया, और ये आपकी हुई थी वैशाली में, ठीक है, काला शोक ने कराया था, उसके बाद से हुई थी आपकी 250 बिफोर क्राइस्ट में,
जिसको कराया था अशोक ने, इसको कराया था पाटलिपुत्र में, और उसके बाद से पहली सेंचुरी में फर्स्ट एडी में जिसको कराया था कनिष्क ने, तो कनिष्क ने कहाँ पर कराया था, तो कश्मीर के कुंडल वन में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कश्मीर इज़ द राइट आंसर आमिर शाहिद, इट्स नॉर्थ तक्षशिला, तो कश्मीर यहाँ पर सही जवाब था। तो ये देख लीजिए तो कश्मीर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो आपको SSC में पूछे गए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी PDF और कुछ और क्वेश्चंस अटैच कर दिए जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आप उनका अच्छे से रिवीजन करिए और आप एक खुद एक प्रोफार्मा बनाइए कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है करंट अफेयर्स में, जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, अपॉइंटमेंट्स के बारे में, स्लोगन के बारे में, मतलब अवेयर रहना। क्योंकि पहले का जो पोर्शन था वो GS का हुआ करता था जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछते थे, लेकिन आज वो किस में पूछ रहा है, तो वो आज वो GA पूछता है, मतलब जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछता है। तो आपको बिल्कुल चारों तरफ से अवेयर रहना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हो रही है, ठीक है, कौन सा प्रोटेस्ट कहाँ पर हो रहा है, उसके रिलेशन क्या है, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल अवेयर रहना है, दिमाग खोल कर रखना है चारों तरफ से जो जो चीज़ें आ रही है। और ख़ासतौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बजट, तो महेश सर के जो बजट की क्लास है उसको आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय सभी को।